हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक क्विक अपडेट है मैलवेयर के बारे में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको एंड तक देखिएगा और अगर आपको लाइक करना है तो करिए, बट इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइए और अपने सारे फ्रेंड्स में और सारी फैमिली में जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, बिकॉज ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप एंड तक देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, ये वीडियो किस बारे में, मैं पहले आपको बताता हूँ। ये एक ऐसे मेलवेयर के बारे में है जो आपके जो इंडियन बैंकिंग एप्स है, जैसे कि एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन हो गई है, आईसीआईसी बैंक की एप्लीकेशन हो गई है, एचडीएफसी बैंक की एप्लीकेशन हो गई है, तो उनमें एक मेलवेयर आ जाता है जो कि है android.banker.a9480। ये मेलवेयर का नाम है। ये मेलवेयर आपके जो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है और जो भी आपके बैंकिंग एसएमएसेस है और जो बैंकिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सारी स्टील कर देता है और एक सर्वर में इनपुट कर देता है। तो जब भी सर्वर का ऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस करता है तो आपकी डिटेल्स को कैसे भी मिसयूज कर सकता है, बिकॉज उसके पास आपकी सारी डिटेल्स होती है। और ये सिर्फ आपकी बैंकिंग डिटेल्स ही नहीं, जो कुछ एप्लीकेशन आती है जो कि क्रिप्टो करेंसीज की होती है तो उनकी भी डिटेल्स ले सकता है। जैसे इंडिया में जेप्पे है तो वो ये इसकी उसकी भी डिटेल कैप्चर कर सकता है। और ये कुछ बैंक्स में इंडिया के में है जो कि है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। मैं उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, ये जितने भी बैंक्स की एप्लीकेशन है जो फोन में होती है, ये जितनी भी डिटेल्स होती है इनकी, ये मेलवेयर कैप्चर कर लेता है। तो ये मेलवेयर आता कैसे, आपका क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मेलवेयर आता है जैसे कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फ्लैश, जैसे कि आप फेक फ्लैश एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं थर्ड पार्टी से। दोस्तों, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो ट्राई करिए एकदम कि आप वो गूगल प्ले स्टोर से गूगल प्रोटेक्ट के थ्रू ही डाउनलोड करें। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बिल्कुल सही नहीं होती है, उसमें बहुत सारे मेलवेयर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंकिंग मेलवेयर ही है, आपको बहुत सारे मेलवेयर आ सकते हैं, तो इसमें केयरफुल रहिए। और आप जब भी उनको परमिशन ग्रांट करते हैं तो परमिशन को प्लीज़ ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में सब परमिशन दे देते हैं बट बाद में आपके लिए वो मिसयूज हो सकती है। दोस्तों, एक क्विक अपडेट था मेरे लिए, और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो कमेंट जरूर लिखिए और प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में और अपनी फैमिली को दिखाइए, अपने पेरेंट्स को दिखाइए और अपनी फैमिली में जरूर शेयर करिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए और हमें कॉमेंट जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।